प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। और अपने सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर माननीय सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सभाजीत सिंह भैया की आदेश पर और हमारी प्रस्थान की अध्यक्षा माननीय आदरणीय अनिल चौधरी जी के आदेश पर हम लोग जिला आगरा में पिछले हफ्ते से, जब आदेश था जो पार्टी का, पिछले शुक्रवार से हर शुक्रवार को, आगामी हर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में उपवास के माध्यम से इस निकम्मी सरकार का विरोध करेंगे। और वो विरोध आप देख रहे हैं कि आज भारत माता की मूर्ति के मंदिर पर हर जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जहां जहां भारत माता की मूर्ति है उसके नीचे बैठ के आम आदमी पार्टी के लोग अपना उपवास करेंगे संजय सिंह जी के समर्थन में। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से डर के भाग रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ, जो ईडी है, ईडी का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ना करके एंटरटेनमेंट डायरेक्टर कर देना चाहिए, क्योंकि आज ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चलती है। जो ईडी जो डिपार्टमेंट जो पहले था, आजादी से लेकर भारत के इतिहास में आज तक जितना दुरुपयोग ईडी सीबीआई का ये निकम्मी सरकार कर रही है, उतना दुरुपयोग आज इस समय की, आज तक की आजादी से लेकर किसी सरकार ने नहीं किया। अभी एक कानून उन्होंने लागू किया, जो रोड कानून लागू किया था, उसको तो 2 दिन के अंदर बैक हो गए। अब उसके बारे में तो किसानों का मैटर में पूरा योगदान दे दिया और देखिए, इनके जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी इनके मुद्दे होते हैं, वो सब एक थोपने वाली राजनीति ये लोग करते हैं। चाहे वो, आप किसान का मुद्दा आपने बताया, किसान का मुद्दा ले लीजिए, 700 किसान पूरे भारत में मर गए, उस किसान के उस बिल को इन्होंने एक साल बाद वापस ले लिया। उस किसान के बिल में जब हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने संसद में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, उनको निलंबित कर दिया, उसके बाद वो जो काला कानून था वापस ले लिया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लगाई, इसको जैसे आप आगरा की बात कर लेते हैं, आगरा में जूते पे इन्होंने पहले 5% जीएसटी लगाई, फिर 12% कर दी, फिर नोटबंदी आया थे, नोट चालू किए, फिर बंद कर दिए। तो इतने जितने भी फैसले होते, आप देखिए, अब ये बिल्कुल नया जो ड्राइवर वाला कानून था, इसमें भी आप देखिए कि ड्राइवर वाला कानून लागू किया, फिर 2 दिन बाद इसको वापस ले लिया। मतलब बिना किसी सोचे समझे एकदम से जनता के ऊपर थोपने का काम ही सरकार करती है। और जब इनको लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है जनता के पास, तो विरोध, जनता तो विरोध में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जब इनको लगता है कि यहाँ अभी विरोध हो रहा है तो उसको वापस ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के अंदर क्या रिजल्ट देने वाला है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन बनने के दिन से घबराई हुई है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना और जितने प्रमुख घटक थे भारत के, और वो सब जब एक मंच पर इंडिया के नाम से आ गए, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडिया के नाम से नफरत हो गई। ये पूरा जितने भी हमारा जो जहां जहां इंडिया नाम का जिक्र है, उन सबको हटाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया, इस नाम से इनको छेड़े। और इंडिया गठबंधन का मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया गेट नहीं हटा सकते, बहुत सारी चीजें जो ये नहीं हटा सकते, लेकिन वही इनका जो काम है वो जबरदस्ती कानून को थोपने का काम है। और इनसे ही इतना घबराई हुई है इस समय इंडिया गठबंधन से कि अब आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि जो प्रमुख घटक हैं भारत के, और जब वो सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जनता इनसे उग चुकी है, और इस चुनाव में इनका रिजल्ट आप देखेंगे। अब्बास, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आज आम आदमी पार्टी संजय भैया जी के नेतृत्व में भारत माता की प्रतिमा पर उपवास रखा गया है। और उपवास का मुख्य कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय राज्यसभा सांसद संजय जी सिंह जी को, जो कि झूठे केस में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है, आम आदमी पार्टी इसी को लेकर के पूरे प्रदेश में उपवास रख रही है। और हमारा उपवास जब तक जारी रहेगा जब तक संजय सिंह जी रिहाई नहीं हो जाती। मनी शर्मा साई हूँ, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को अनैतिक रूप से जेल में बंद किया गया है ईडी के द्वारा, और वो जेल के अंदर बंद होकर भारत माता के समक्ष नमन करने के बाद उपवास रख रहे हैं, जिससे यहाँ की सरकार को बुद्धि उनकी शुद्ध हो। और इसी तरीके से जब हमारे नेता जब जेल के अंदर उपवास रख रहे हैं, तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने अपने जिलों में
उपवास रखकर हम ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भारत माता से नमन कर हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सद्बुद्धि दें और यहाँ का संविधान और लोकतंत्र बढ़िया तरीके से चले। उपवास आज का ही चलेगा, आगे भी देखिए ये उपवास की शुरुआत पिछले शुक्रवार से हमारे राज्यसभा सांसद जी ने जेल के अंदर की थी और ये हमें जहाँ तक जानकारी है कि हर शुक्रवार को रखा जाएगा और जब तक ऊपर से आदेश आएगा हमारे लिए केंद्र से वो प्रदेश तत्व की ओर से, जब तक हम उपवास लगातार रखते रहेंगे।